हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डेरा डगने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 37 और एक्सपोनेंट का वीडियो नंबर 9। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, तो वीडियो नंबर 8 के अंदर हमने काफ़ी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर किए हैं और इस वीडियो के अंदर भी हम काफ़ी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरे पैम्पलेट में ये क्वेश्चन का नंबर है 50। थ्री रेस टू फाइव ऑलरेडी क्वेश्चन हमने कर दिया था। हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे जो मैंने सोचा था। कहाँ गया क्वेश्चन? क्लास 8 वाला क्वेश्चन हमने कर दिया था। ओके, चलो आई गॉट इट। यहां पे क्वेश्चन है -3^7 डिवाइड बाय 3^-10 मल्टीप्लाई 3^-5। ओके, अब यहाँ पे माइनस है और पावर है उसका नंबर, तो माइनस इंटीजर है तो कोई चेंजेस नहीं है, रूल्स तो उस तरीके से लगेंगे। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये थोड़ा दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीप्लाई 3^5। अभी क्या काम करोगे आप, पहले पावर को माइनस करा दोगे आप, तो -3^7 डिवीजन है इसलिए माइनस ही होगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है इसलिए माइनस हो गया। ये मल्टीप्लाई में है और ये माइनस में है, तो प्लस करके इसको हम माइनस में लिख देते हैं। नेक्स्ट -3^7 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 5। -3 = 7 + 10 = 17 -5। -3 = 17 - 5 = 12। आप चाहो तो इसको एक और भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो, -3^7 डिवाइड बाय 3^-10 मल्टीप्लाई 3^-5। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज -3 को वैसे के वैसे रहने दो, 7 इंटू ये डिवाइड में है आपस में, तो 3^-5 माइनस ऑफ -10 हो जाएगा। -3^7 इंटू 3^-5 माइनस माइनस +10 -3^7 इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस 3^5। अब माइनस प्लस माइनस ही होने वाला है, 5 + 7 = 12। आप कोई से भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों में आंसर तो सेम ही आने वाला है, मगर आप कौन से मेथड प्रीफर कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मगर हाँ, कोई से भी मेथड करो, कंसेप्ट रूल्स आपको उसी हिसाब से लगाना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 3^0 प्लस 4^-1 इंटू 2^2। यहां पे 3^0 = 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 हो जाता है। 4^-1 है तो 1/4 हो जाएगा। एक रूल था a^-x = 1/a^x, यहां पे पावर माइनस में है इसलिए वो 1/ करके हमें लिखना पड़ेगा, इंटू 2^2। ये नंबर मिक्स में आ जाएगा, 4 × 4 + 5 = 5/4 इंटू 2^2 = 4 होता है। ये 4/4 कट हो जाएगा, यहां पे आंसर बचेगा 5।
चलिए आगे चलते हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में से। क्वेश्चन नंबर 62, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मगर रूल अगर आप याद होंगे तो ये कुछ नहीं है। क्लास 8 की बैच मुझे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है और सिखाने के बाद भी ये गलत करके आ जाते हैं बच्चे। फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट का कम्बिनेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने एक रूल सिखाया था कि जब भी कोई फ्रैक्शन होता है और पावर माइनस में आती है तो फ्रैक्शन को आपको उल्टा कर देना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2/1, अब ये पावर माइनस में थी तो प्लस में हो जाएगी, 3/1 पावर माइनस में थी प्लस में हो जाएगी, प्लस पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब 2:2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3:3 इज इक्वल टू 9 प्लस 4:4 इज इक्वल टू 16। 4×9=36 प्लस 16, 6+6=12, कैरी 1, 3+1=4, 4+1=5। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाता है। हो सकता है मैंने एनसीईआरटी में से क्वेश्चन लिया हो, मगर थोड़ा सा साइन चेंज कर दिया हो कहीं पे। यहाँ पे आपको कभी कभी मल्टीप्लाई, तो कभी कभी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको देखने को मिल सकता है, मगर जो कंसेप्ट है, रूल्स है, वो तो उस तरीके से ही काम करेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, काफी डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इज इक्वल टू 0। अब ये लगता है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इंटीजर्स हैं और उनकी पावर माइनस में है, आपको लग रहा है कि उनको रेसिप्रोकल करके उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। अब ये पूरे का ब्रैकेट आपको 1 करके दिया हुआ है, 0 करके दिया हुआ है, तो ब्रैकेट की पावर 0 हो जाती है। और मैंने रूल सिखाया था कि जब भी कोई नंबर की पावर 0 होती है तो आपको डायरेक्ट आंसर 1 लिख देना है, क्योंकि सॉल्यूशन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी सॉल्यूशन करने के बाद भी आपका आंसर 0 ही आने वाला है। तो अच्छी बात यही है कि टाइम वेस्ट ना करें और तुरंत आप आंसर में 1 लिखते हैं। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8×-1 इंटू 5×3 डिवाइड बाय 2×-4। अब 8 के लिए मैंने एक शॉर्टकट लिखा था 2×3, उसकी भी पावर माइनस में है, इंटू 5×3 डिवाइड बाय 2×-4। अभी हम क्या करेंगे, 3 की पावर माइनस 1 है इसलिए 3 माइनस में आ जाएगा, इंटू 5×3 डिवाइड बाय 2×-4। ये दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर का माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में डिवीजन है। 2×-3 माइनस होगा, डिवीजन है इसलिए, और 4 ऑलरेडी माइनस में है पहले से, मल्टीप्लाई 5×3। 2×-3 माइनस माइनस प्लस इंटू 5×3, 2×-3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटू 5×3। शॉर्टकट सिखाया था 5×3 इज इक्वल टू 125 होता है, इंटू ये 2 है, 125 इंटू 2 इज इक्वल टू 250, ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिलहाल हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी 10 मिनट ही हो रही है, तो हम एक दो क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो की लेंथ मैक्सिमम 18 या 90 मिनट्स की हो और मैक्सिमम क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर हो, ताकि ज़्यादा वीडियो ना बने और कम वीडियो के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। एक बड़ा वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मेरे पैम्पलेट के अंदर वो क्वेश्चन का नंबर है 72। (25×t^-4)/(5×-3)×10×t^-8। अब 5 के लिए शॉर्टकट था (5×2)×t^-4 डिवाइड बाय 5×3 है, तो मैं इसकी पावर माइनस में है तो ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। एक रूल था 1/(a^-x)=(a^x), पावर माइनस में नीचे होती है तो ऊपर ले जाते हो तो पावर प्लस में हो जाती है। यहाँ पे 5×-3 माइनस में था, मैं इसको ऊपर लेके गया तो ये प्लस में हो गया, डिवाइड बाय 10×(t^-8) हो गया। अब 5, 2 और 3, 5×5×(t^-4) डिवाइड बाय, मैं इस 10 को फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2×5×(t^-8)। वापस मैं वही रूल लगाऊंगा जो मैंने ये रूल लगाया था, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, 5×5×(t^-4)×(t^-8) हो जाएगा, डिवाइड बाय 2×5। नेक्स्ट 5×5 है और 5×1 है, देखो दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो, और बीच में डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, 5 में से एक पावर कट हो जाएगी तो ये 3 हो जाएगा, इनटू यहाँ माइनस है प्लस में 8 है, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो (t^-4) मल्टीप्लाई होने से पावर प्लस हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 बचेगा। नेक्स्ट 5×-3×(-)-(+-)। 8 में से 4 गया तो 4, यहां पे 8 बड़ा है इसलिए साइन प्लस की आएगी, डिवाइड बाय 2। 5×3 शॉर्टकट में सिखाया था 125×(4)/2। ये आपका आंसर होता है। क्लास 8 की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही बार एग्जाम में, एसए में, एफए में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अभी भी हमारे पास टाइम है, हम और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। यहां पे 3×-5×10×-5×125/(5×-7)/(6×-5)। पहले तो ये जितने भी पावर माइनस में है मैं इनको ऊपर लेके जाऊंगा ताकि सारे पावर प्लस में हो जाएं। तो 3×-5 एज इट इज, ये 5 की पावर माइनस में -7 है तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 की पावर 7 प्लस में हो जाएगी, 6 की पावर माइनस में है तो मैं 6 की पावर को ऊपर लेके जाता हूँ प्लस में हो जाएगी, 10 की पावर -5 थी एज इट इज, 125 को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 5×3। अब 3×-5 है एज इट इज, इंटू 5×7 एज इट इज, 6 के लिए हमने एक शॉर्टकट लिखा था, 6×2×3 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2×3×5×
10 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 इंटू 5 रेस टू माइनस 5 इंटू 5 रेस टू 3। आगे करेंगे 3 रेस टू माइनस 5 इंटू 5 रेस टू 7 इंटू ये पावर अंदर जाएगी दोनों के पास तो 2 रेस टू 5 इंटू 3 रेस टू 5 इंटू ये पावर दोनों के पास अंदर जाएगी तो 2 रेस टू माइनस 5 इंटू 5 रेस टू माइनस 5 इंटू 5 रेस टू 3। अभी हमारे पास सिर्फ बेस के अंदर 2, 3 और 5 है तो मैं 2 को अलग कर लेता हूँ, 3 को अलग कर लेता हूँ और 5 को अलग कर लेता हूँ। पहले हम 2 को देखते हैं, यहाँ पे देखो 2 है, 2 है तो एक पावर 5 में है और एक पावर माइनस 5 में है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, मैं इसको कट कर देता हूँ अभी ताकि मुझे फिर से देखने में ना आए और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब मैं 3 के लिए चेक करता हूँ, एक और 3 यहाँ पे है, ओके तो 3 रेस टू माइनस 5 इंटू 3 रेस टू 5, मैं इनको भी कट कर देता हूँ ताकि मुझे फिर से दिखने में ना आए। फिर यहाँ पे 5 रेस टू 7 है इंटू 5 रेस टू माइनस 5 इंटू 5 रेस टू 3, ये 5 इधर रहा, ये इधर है और ये इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक भी टर्म मिस नहीं हो रहा है, आपको ध्यान देख लेना एक बार। अभी क्या करना है, 2 रेस टू ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट हो जाएगा, 0 पावर बची, ये माइनस में है और प्लस में है, कट हो जाएगा, 0 पावर बची इंटू 5 रेस टू 7 माइनस 5 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 माइनस 5, 2 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, 3 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, 5 रेस टू 7 प्लस 3 10 माइनस 5, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 रेस टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 1 इंटू 10 रेस टू 5 इज इक्वल टू 5 रेस टू 5, ये आपका आंसर हो जाता है। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बुक में से लिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कवर करेंगे और क्लास 9 के जो शर्ट वाले क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हैं, वो भी उस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, उसको एडिट करते हैं और आप उसको कमेंट नहीं करते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, हमें देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और कुछ और नए कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।